इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर पुष्कर घाटी के बीच में पड़ने वाले लीला सेवड़ी इलाके में, और लीला सेवड़ी इलाके की मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जिसका युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा चलन है, यानी कि सबसे फेमस जगह पर। ये चाय की थड़ियाँ यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 चाय की थड़ियाँ हैं, और अब ये जगह आपके लिए आज रात को आखिरी जगह हो सकती है बैठने के लिए, क्योंकि वन विभाग के ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। इन थड़ियों को आप देख लीजिए, टीन शेड में आपको दिखा रहा हूँ, जितनी भी चाय की थड़ियाँ यहाँ पर थी उन्होंने टीन शेड जो इनका सामान था उसको उतारना शुरू कर दिया है, अपने सामान को यहाँ से वापस समेटना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने आज इनको चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है, उस चेतावनी के अंदर कहा गया है कि कल सुबह 11 बजे तक उनको यहाँ से इस थड़ियों को खाली करना है, यहाँ से इन तमाम जितना भी यहाँ पे सामान है उनको यहाँ से हटाना है। आप देखिए तस्वीरें में आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों ने टीन शेड्स हटा लिए हैं, कुछ लोगों ने टीन शेड्स को नहीं हटाया है। मैं आपको दिखाता हूँ जो थड़ी पहले पक्की बनी हुई थी, ये बिल्कुल फीडर जो है फीडर के पिछला इलाका है लीला सेवड़ी के अंदर, और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब वापस से अपने सामान को समेटने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया है। आज रात का आखिरी वक्त इनके पास इस वक्त मौजूद है। लगभग 30 साल यहाँ पर जो 12 फैमिली है लीला सेवड़ी गांव की ही, वो यहाँ चाय की थड़ियाँ चलाती थी, और अब उनको वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये जगह पूरी तरीके से जो थड़ियां हैं यहाँ पर अवैध बनी हुई है। ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट से जो थड़ी वाले उनको स्टे मिला था, वो स्टे आज खारिज हो गया है, और अब वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ के थड़ी वाले जो हैं उनके जो मालिक हैं यहाँ के, उन सबको नोटिस जारी कर दिया। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ है। हिमांशु, ये क्या मामला है, कितने समय से थड़ियाँ यहाँ पर संचालित हो रही थी, और आज वन विभाग के अधिकारियों ने क्या नोटिस इन थड़ी वालों को दिया है? देखिए, ये करीब 30-40 साल से यहाँ पर कम से कम 10 से 12 थड़ियाँ जो संचालित हो रही थी, जिनको वन विभाग ने आज अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है, और वन विभाग ने कहा है कि आप कल आज जो है ये पूरा यहाँ पर अपनी जगह खाली कर लें, कल जो वन विभाग कार्रवाई करेगा तो उससे यहाँ जो इनको जो जान माल की खतरा है और जो इनके चीजों का नुकसान होना, उसके वन विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो इनको आज अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है। ये जो जगह, हाँ बिल्कुल, ये नोटिस में कहा है ये जो जगह है अजमेर से पुष्कर के बीच में लीला सेवड़ी गाँव है, वहाँ पर ये जगह है। 12 मतलब टोटल 12 परिवार हैं, उनकी 12 थड़ियां यहां पर संचालित हो रही थी 30-35 सालों से। वन विभाग की ओर से अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है, उस नोटिस की कॉपी इस वक्त हमारे पास है, और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि गुरुवार रात तक आपको ये थड़ियां खाली करनी है, और शुक्रवार सुबह 11 बजे वन विभाग अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ पे थड़ी संचालक हैं वो मौजूद हैं। बाबू जी, मुझे एक बात बताइए, वन विभाग ने आप लोगों को नोटिस जारी कर दिया है, आप लोग 30-40 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, अब क्या मांग है आप लोगों की और क्या दिक्कत आ रही है? यही, हमें रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हो गए आज ही, हमारे को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है हमारे कोई भी, न खेती है न हमारे कोई और है, हम बेरोजगार हो गए। लेकिन वन विभाग ये कहता है कि ये जो जगह है वो अवैध है, और अवैध जगह पे वो लोग रोजगार अपना चला नहीं, हमें तहसील में दे रखे डॉक्यूमेंट, तहसील के है हमारे पास, ठेर से तहसील के डॉक्यूमेंट है हमारे पास में। अच्छा, ये जंगलात तो अब कह रहे हैं हमारी है, पहले कभी नहीं कहा जंगलात ने हमारी है। अच्छा, हमें विभाग तो अब बोल रही है सरकार। अच्छा, पहले हमें तहसील का दिया हुआ है नोटिस, मतलब मान लो कि वन विभाग की जगह है, मान लो आज इनको 40 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे, अपने परिवार को पाल रहे, 12 परिवार है यहाँ पे, ये लोग जो चला रहे वन विभाग को, आज ये तो सोचना चाहिए सरकार को कि ये लोग पाल रहे, ये तो कब्जा तो साहित्य कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अगर उनको है तो रसीद काट दे इनकी हर महीना के, कि भाई आपके पैसे लगेंगे, रसीद काट लो, वो हिसाब समझ में आता है। ये इन लोगों को बेरोजगार करने का क्या मतलब होता है? ये तो सरकार के इल्लीगल हुआ पूरा काम ही, सरकार को मान लेते नहीं। जिन्होंने बेचा बेच की है यहाँ जमीन, उनको पहले हमें क्यों कर रहे हैं ये, जिन्होंने बेचा बेची करी है उनको डिस्टर्ब करे ये, बाकी हमने तो किसी को बेची नहीं, हम तो 40 साल रहिए कमा खा रहे, हमारा हम किसी को नहीं दिया नहीं लिया, और हम हमारे काम कर रहे हैं, आज हमें ये बेरोजगार कर दिया। अब ये पीछे इनके पीछे हमारे बच्चों कैसे पाल लेंगे, आज इनके करीब हर बच्चे के 2 बच्चे तो होते ही हैं, इन बच्चों कैसे पालेंगे, ये लोग बेरोजगार हो गए, मतलब कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप भी जानते हो कोई फैक्ट्री ना कुछ हो है आसपास में, यहाँ से जाओ तो 8 किलोमीटर अजमेर जाओ, उसके अंदर कम से कम किराया भी लगेगा, इनका कितना कमा लेंगे ये लोग हैं,
इसकी वजह सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं और जगह टुकड़ा दे या कुछ और दे, या 12 दुकानें इनके लिए बना दे छोटी छोटी, जिसमें 50 गज का टुकड़ा हो इनके पास में, जो कमा के आराम से खा सके ये लोग भी। अरे बाबू जी, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन आप लोगों को? बिजली का कनेक्शन हमारे लिया हुआ चालू है, बिजली का कनेक्शन दे रखा है, दे रखा है जी। ये थड़ी संचालक है यहाँ पर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को उनके रोजगार जो छीना जा रहा है, उस रोजगार को बचाने के लिए एक कोशिश, एक ऑप्शन उनको देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो 12 परिवार जिनका घर परिवार घर चलाने की जिम्मेदारी जो इन थड़ियों के ऊपर है, जो थड़ी चलाते हैं यहाँ पे पूरे दिन, वो कहीं ना कहीं उनके रोजगार का जरिया है और उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन सरकार को इनको देना चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।